मैं तो कल सुबह जाके शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कर रहा हूँ। ये राष्ट्रपुरुषों का अवमान है, ये सरासर झूठी बातें बोलते हैं। और इसके पहले भी उन्होंने सावरकर जी के ऊपर ऐसे आरोप किए थे, तो 2017 में मैंने एक फौजदारी केस की थी कोर्ट में भारत जोड़ो यात्रा की। तो ऐसे जो काम कर रहे हैं PFI का ये समर्थन करने वाला लोग, भारत जोड़ो कैसा कर सकते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, RSS के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है एक किताब, लिखी दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे, चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा।